topic of today's discussion is methods of stylistics. In previous lecture, we have discussed approaches of stylistics or theories of stylistics, and we also talked about the difference between approach or theory and method. So approach is a bigger step or bigger way of seeing at things, and method is smaller steps how to do that thing and how to approach that. And we have discussed four approaches to style. Let's rewind those approaches. उनको briefly discuss कर लेते हैं. कौन सी approaches थी जिनको हमने discuss किया था. The first one was traditional or impressionistic approach. This style is unscientific and subjective. हम unscientifically चीज़ों को देखते हैं और subjective होते हैं, means कि हम biased होते हैं, उसमें हमारी personal feelings add होती हैं, हमारी personal likes and dislikes, हमारी personal choices उसमें add होती हैं. जो traditional approach to style होता है उसमें. Then things are ambiguous and not clear because वो unscientifically हम उसमें style को discuss कर रहे होते हैं, तो उसमें ambiguity का element आ जाता है. That was the first approach. Then second one was individual approach. That is attached with different personalities individually and it is concerned with expressive properties. हम basic concern expressive properties पर होता है rather than aesthetic properties and एक्सप्रेशंस को हम उस एक्सप्रेशंस पर फोकस कर रहे होते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी पर मेन फोकस होता है इंडिविजुअल अप्रोच में. देन थर्ड वन वाज प्रैक्टिकल अप्रोच व्हिच इज सिमिलर टू क्रिटिकल मूवमेंट कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म, जो यूएसए में एक मूवमेंट चली थी उस टाइम पर न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है थर्ड अप्रोच, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अप्रोच, और उसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का नाम भी दिया जाता है. And in this style, the work or the text is concerned rather than author. Writer की बजाय उसकी writing पर main focus होता है practical approach में. And the fourth one was objective or linguistic approach, जो कि opposite होती है impressionistic या subjective approach के. Because subjective में क्या होता है कि हम biased होते हैं और objective में हम unbiased होते हैं और हम इसमें scientifically चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है linguistic approach. linguistic क्या होता है, scientifically जिसमें हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हम इसमें scientifically देखते हैं चीज़ों को, हम unbiased होते हैं, तो ये objective होती है. impersonal approach होती है, मीन्स कि हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस इसमें ऐड नहीं होती, तो ये साइंटिफिक होती है और ऑब्जेक्टिव होती है और इम्पर्सनल होती है. सो दीज वर द फोर अप्रोचेस. देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दीज अप्रोचेस, एंड दीज मेथड्स आर द स्टेप्स दैट कैन बी हेल्पफुल, जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी स्पीच के स्टाइल को समझने में. एंड दीज अप्रोचेस आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट अप्रोचेस, हम किसी एक मेथड को डिफरेंट अप्रोचेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मेथड किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच में हम अप्लाई कर रहे हों और हम उसके स्टाइल को स्टडी कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी का जो टर्म है उसको सिर्फ हम स्टाइलिस्टिक्स में ही नहीं बल्कि डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने मे भी इसको रिसर्च में पढ़ा हुआ हो. तो ये है क्या मेथडोलॉजी, इट डिफाइंस द अप्रोच ऑफ साइंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेसिफाइज इट्स जनरल ओरिएंटेशन इन अ रिसर्च. मेथडोलॉजी जो है वो साइंटिफिक अप्रोच को डिफाइन करती है, साइंटिफिक अप्रोच होती है इन्वेस्टिगेशन एंड जनरल ओरिएंटेशन के हवाले से विद इन अ रिसर्च. एक प्रॉपर प्रोसीजर या एक प्रॉपर मेथड के थ्रू आप एक रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते हो, तो वो प्रोसीजर या वो मेथड जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो वो मेथडोलॉजी कहलाता है. Okay, तो यहाँ पर भी जब हम स्टाइलिस्टिक्स में मेथडोलॉजी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी चीज़ को अकम्प्लिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मेथडोलॉजी या मेथड का नाम दिया जाता है. एंड देयर आर फोर मेथड्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टाइलिस्टिक एनालिसिस. The most traditional method of a stylistic is the method of semantico stylistic analysis. आवाज आ रही है आप सबको? समझ लग रही है आप लोगों को लेक्चर की? Yes ma'am. जी ma'am. जी ma'am आ रही है. We were talking about stylistic analysis. That was the
दैट इज अ फर्स्ट मैथड ऑफ अ स्टाइलिस्टिक, जिसको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस भी कहा जाता है और सिमेंटिको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है. एंड दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मैथड ऑफ स्टाइलिस्टिक. दिस मैथड एम्स एट डिफाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन लैंग्वेज. ये लैंग्वेज किस तरह से आपस में रिलेट करती है उस चीज पर फोकस किया जाता है इस मैथड में. दैट मीन्स employed for expressive conveyance of intellectual, emotional or aesthetic content of speech or text and the content of information. It means के हम इस method में अब words के meaning पर ज़्यादा focus करते हैं. जिस तरह के यहाँ पे एक और नाम mention किया हुआ stylistic analysis का, that is called semantico stylistic analysis. That is related to semantics. और semantics क्या होता है जिसमें हम लैंग्वेज के मीनिंग पर फोकस कर रहे होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस कर रहे होते हैं. तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है कि हमारा मेन फोकस जो है वो मीनिंग पर होता है, कि किस तरह से मीनिंगफुल वर्ड्स को चूज किया जा रहा है फॉर इफेक्टिव स्टाइल, ठीक है, या फिर उस लैंग्वेज में किस तरह से इफेक्टिव स्टाइल को ऐड करने के लिए किस तरह से मीनिंगफुल वर्ड को चूज किया जा रहा है बाय द राइटर और बाय द स्पीकर. अगर हम स्पीच की बात कर रहे हैं तो स्पीकर किस तरह से उनको चूज कर रहा है. तो इट इज बेसिकली अ वोकैबुलरी बेस्ड एनालिसिस, मींस हाउ मच और हाउ डिफरेंट वोकैबुलरी इज यूज्ड इन द लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक एनालिसिस. हम उसके मीनिंग पर फोकस करते हैं, किस तरह से मीनिंगफुल वर्ड्स को यूज किया जा रहा है लैंग्वेज में और किस तरह से डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को फॉर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरह से डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस मेथड में. सो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस स्टडीज द नेचर और द क्वालिटी ऑफ राइटिंग और स्पीच एंड द मीनिंग ऑफ दैट स्पीच और टेक्स्ट. क्या हम उसके मीनिंग पर बेसिक हमारा फोकस होता है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में. दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ स्टाइलिस्टिक. देन सेकेंड वन इज कंपैरेटिव मेथड. कंपैरेटिव मेथड कंपैरेटिव को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना दो चीज़ों को आपस में, उनका मुवाजना करना, उनको कंपेयर करना, किस तरह से एक चीज़ दूसरे से डिफरेंट है, क्या सिमिलैरिटीज हैं उनमें एंड ऑल दैट. तो कंपैरेटिव मेथड में वही चीज़ आ जाती है कि आप दो डिफरेंट स्टाइल्स को कंपेयर कर रहे होते हो आपस में. सो क्या है इसको देखते हैं. द कंपैरेटिव मेथड इज कंसीडर्ड टू बी द न्यूक्लियस ऑफ द स्टाइलिस्टिक एनालिसिस मेथड. इसको स्टाइलिस्टिक मेथड का न्यूक्लियस भी कहा जाता है, मींस कि इसको इंपॉर्टेंट मेथड समझा जाता है. टू मेक द स्पीच मोर इफेक्टिव स्पीकर्स कॉन्स्टेंटली सिलेक्ट डेफिनेट लैंग्वेज. स्पीकर या फिर राइटर दोनों को यहाँ पे दोनों की बात करेंगे, स्पीकर भी और राइटर भी अपनी स्पीच को या टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए डेफिनेट लैंग्वेज को यूज़ करता है. जो भी वो लिख रहा है या जो जिस भी तरह से वो जिस भी मीडियम में वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है वो उसमें डेफिनेट लैंग्वेज को यूज़ करता है. डेफिनेट लैंग्वेज मीन फ्रॉम अ सेट ऑफ सिनोनिमस यूनिट्स, ठीक है, सिनोनिम्स वगैरह को ऐड करके या फिर डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को ऐड करके. अब यहाँ पे सिनोनिम्स की बात हो रही है, दैट मीन्स के डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स की बात हो रही है. तो ये पॉइंट जो है वो प्रीवियस मेथड से थोड़ा सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो डिफरेंट स्टाइल्स को. तो ये डिफरेंस है बिटवीन दिस मेथड एंड प्रीवियस मेथड. और सिमिलैरिटी क्या है प्रीवियस वन और इस मेथड में, कि इसमें हम जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको किस तरह से यूज करना है विद इन दैट लैंग्वेज, उस चीज पे हमारा फोकस भी होता है कंपैरेटिव मेथड में भी और जो प्रीवियस मेथड हमने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस देखा उसमें भी. These language means have the best stylistic effect only in comparison with other language means which are either less expressive or neutral in the given context. Means के हम दूसरी language के style को जिस भी language के style को हम analyze कर रहे हैं उसको किसी और language के style के साथ भी compare करके देख रहे होते हैं. और हम देखते हैं कि कौन सा स्टाइल जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, कौन सा स्टाइल कम एक्सप्रेसिव है. तो इसमें स्टाइल्स के इफेक्ट पर फोकस किया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है. एंड द मोर इफेक्टिव स्टाइल विल बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन दिस मेथड. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं स्टाइल्स को और जो ज़्यादा इफेक्टिव स्टाइल होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. देन द थर्ड मेथड इज a method of stylistic experiment. The method of stylistic experiment lies in substitution of
matters what constructions for new ones are with the stylistic aim. इस स्टाइल में राइटर स्टाइल के सर्टेन एलिमेंट्स को किसी और सब्सटीट्यूट एलिमेंट के साथ चेंज कर रहा होता है. सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि कोई उसके मुतबादल कोई वर्ड्स यूज करना, कुछ फ्रेजेस या सेंटेंसेस या लैंग्वेज में कुछ भी सब्सटीट्यूट यूज करना मीन्स के उसके मुतबादल में उसके मुकाबले में कोई भी ज्यादा चीज जो ज्यादा इफेक्टिव है उसको उसकी जगह पर यूज करना. तो इस टाइप के मेथड में क्या होता है कि राइटर जो है या स्पीकर जो है वो कुछ एलिमेंट्स की जगह पर जो उसके सब्सटीट्यूट एलिमेंट्स जो ज्यादा इफेक्टिव हैं उनको यूज करके उसमें चेंजिंग ला रहा होता है लैंग्वेज में. देन फाइनल इफेक्ट देखता है वो राइटर या स्पीकर दैट वट एवर दे आर इक्वली इफेक्टेड और मोर इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव कि वो चीज़ जो पहले यूज की हुई थी और जो उसने सब्सटीट्यूशन में उसको यूज किया उसको एक्सचेंज करके वहां पे जो चीज़ यूज की है क्या वो उसके इक्वल इंपॉर्टेंस है या फिर उससे ज्यादा इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है. तो जो चीज़ उसको ज्यादा बेटर लगेगी वो उस चीज को एक्सचेंज कर देगा उसके सब्सटीट्यूट के साथ. विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू करेक्टराइज द स्टाइलिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द राइटर्स टेक्स्ट एंड अप्रूव द सब्सटीट्यूट यूनिट्स स्टाइलिस्टिक पॉसिबिलिटीज. ये जो अगर राइटर इन चीजों को देख रहा है ना तो वो अपने स्टाइल को बेटर करने के लिए थ्रू एक्सपेरिमेंट वो इन चीजों को यूज करता है. जैसे कि नाम से शो हो रहा है मेथड ऑफ स्टाइलिस्टिक एक्सपेरिमेंट मीन्स के इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एक राइटर या स्पीकर. जो भी लैंग्वेज या लैंग्वेज में जो भी स्टाइल यूज कर रहा है एक राइटर या एक स्पीकर उसमें बेटरमेंट के लिए उसको उस सब्सटीट्यूट प्रोसेस से गुजर रहा होता है या फिर चीज़ों को एक्सचेंज करके लैंग्वेज को एक्सचेंज करके एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ताकि वो अपनी लैंग्वेज को बेटर बना सके और जो भी उसने स्टाइल उसको बेटर बना सके. या फिर अगर हम रीडर के हवाले से तो रीडर भी उसमें एडिशन या फिर डिलीशन करके उसमें स्टाइल को देखता है क्योंकि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर स्टाइल इफेक्टिव नहीं होगा या फिर इसकी जगह पर कौन से सब्सटीट्यूट एलिमेंट्स अगर ऐड कर दिए जाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे. सो दिस इज एक्सपेरिमेंट मेथड जिसमें लाइक जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करके देखा जा रहा होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सी चीज़ लेस इफेक्टिव है. तो जो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है उसको ऐड कर दिया जाता है लैंग्वेज में और उस स्टाइल में उसको चेंज कर दिया जाता है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है टेस्ट किया जाता है लैंग्वेज को टू डिस्कवर वट इज़ बेटर एंड वट इज़ मोर इफेक्टिव और वट इज़ लेस इफेक्टिव. So this method is basically an experiment stylistic method जिसमें एक writer या speaker experiment कर रहा होता है. या फिर अगर reader के हवाले से बात करें जो कि audience है जो कि text को analyze कर रही होगी वो भी इसमें changes कर सकते हैं उसमें experiments कर सकते हैं और substitutes को भी use कर सकते हैं. From a reader's point of view बात कर रही हूँ कि दोनों तरह से दोनों parties जो हैं वो इसमें substitutions को use करके experiment कर रही होती हैं इस method के according. ओके कुछ स्कॉलर्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जिन्होंने इस मेथड को यूज़ किया हुआ है जिसमें एल शर्बा और ओ पेस्कोविस्की एंड एल ब्लाहोविस्की ये थियरिस्ट के नाम है स्कॉलर्स के नाम है रशियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस मेथड को अपने अपने स्टाइल में एनालिसिस में यूज़ किया हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज द लास्ट मेथड ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. The last method is quantitative method which defines the quantitative properties of language. The quantitative method consists in defining the quantitative properties of language phenomenon using the quantitative data and specific calculations. The statistic method aims at distinguishing peculiarities and regularities of language units. अच्छा क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है. क्वांटिटेटिव मीन्स थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड और दैट कैन बी काउंटेड वो चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हो जिनको आप मेजर कर सकते हो जिनको आप स्टैटिस्टिकली देखते हो वो चीज़ क्वांटिटेटिव मेथड में आ जाती है. ठीक है और अगर आपने क्वांटिटेटिव मेथड को पहले कहीं पढ़ा हुआ है लाइक रिसर्च में हो सकता है आपने इसको पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होंगे. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स. क्वालिटेटिव क्या होता है. क्वालिटेटिव वो रिसर्च होती है जिसमें आइडियाज होते हैं जिसमें आप डिस्कशंस करते हो लॉजिकल बात करते हो जिसमें चीज़ों को आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव किया जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च. और क्वांटिटेटिव क्या होती है. क्वांटिटेटिव इज अ सेकेंड रिसर्च मेथड जिसमें नंबर्स के थ्रू
के थ्रू, मेयरमेंट्स के थ्रू, मेयरमेंट्स वगैरह को यूज किया जा रहा होता है, उनके थ्रू डाटा को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। तो लिंग्विस्टिक्स या क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ स्टाइल में हम किस तरह से यूज करते हैं इसे, इसमें हम नंबर ऑफ मिस्टेक्स को देख सकते हैं लैंग्वेज के हवाले से लिंग्विस्टिक्स में, या फिर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स को की बात हो सकती है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स, और इस तरह से इन सब चीज़ों को हम मैथमेटिकली काउंट करते हैं, और दिस मैथड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और क्वान्टिटेटिव मैथड। इस क्वांटिटेटिव मेथड को स्टैटिस्टिकल मेथड का नाम भी दिया जाता है, बिकॉज इसमें आप चार्ट्स वगैरह के थ्रू, ग्राफ्स वगैरह के थ्रू आप डाटा को विजुलाइज करते हो, इसकी वजह से इसको स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एनालिसिस भी कहा जाता है। तो क्वांटिटेटिव मीन्स के जिसमें आप मेयरमेंट्स करते हो और काउंट्स करते हो, तो लैंग्वेज के हवाले से डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने बात की, मिस्टेक्स काउंट हो सकती हैं, रेपिटेशंस हो सकती हैं, सिलेबल्स के हवाले से क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकती है, एनालिसिस हो सकता है, और स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न्स के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस में आ जाएगा। तो इस बेस पर इसको क्वांटिटेटिव मेथड या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड का नाम दिया जाता है। तो दीज आर द फोर मेथड्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, एक दफ़ा इनको रिवाइंड कर रही हूँ ब्रीफली अगेन कि कौन कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या उनके स्पेसिफिकेशंस हैं। द फर्स्ट वन वॉज स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में हम वर्ड्स के मीनिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टाइल को वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से देखा जा रहा होता है। देन सेकेंड वन वॉज कंपेरेटिव स्टाइलिस्टिक्स, जिसमें हम ओवरऑल लैंग्वेज के इफेक्ट को देखते हैं, और इसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ, या फिर किसी एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और फिर देख रहे होते हैं कि कौन सा स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन थर्ड वन वॉज एक्सपेरिमेंट स्टाइलिस्टिक, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सब्सटीट्यूशन प्रोसेस हो रहा होता है, सब्सटीट्यूट्स यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज यूनिट्स के, और लिंग्विस्टिक यूनिट्स को रिप्लेस करके देखा जा रहा होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है उस लैंग्वेज में और उस स्टाइल में, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टाइलिस्टिक मैथड। देन द लास्ट वन वॉज क्वान्टिटेटिव मैथड, जो कि स्टेटिस्टिकल मैथड भी कहलाता है, जिसमें हम मैथमेटिकली वर्ड्स को, उसकी वेराइटी को, उनके मीनिंग्स को, उनके यूसेज के हिसाब से काउंट करके एनालाइज कर रहे होते हैं, और थ्रू ग्राफ्स और चार्ट्स उस चीज़ को विजुलाइज भी कर रहे होते हैं। तो ये चार मेथड्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. चले ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीक के लिए मैं प्रेजेंटेशंस भी असाइन कर दूंगी, आज या कल तक आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि नेक्स्ट वीक किन लोगों की प्रेजेंटेशंस होंगी, और अगर कोई भी इशू हो आप लोगों को, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निकल इशू या कुछ भी आप लोग नहीं दे सकते हो, तो आप लोग काइंडली मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करें, ताकि फिर उस हिसाब से कुछ किसी और स्टूडेंट को मैं असाइन कर दूं, या फिर अगर उनको बाद में असाइन कर दूं, बजाय इसके कि वो अपने टाइम पे एबसेंट है, तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें इस बारे में। बाकी जो पोस्ट मैंने जनरेट कर दी है जिन भी लोगों को असाइन कर रही हूँ मैं प्रेजेंटेशन, वो मुझे वहाँ पर गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं असाइनमेंट, और अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है देखिए वहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप लोग मेल करके देखें, ठीक है, मैं ईमेल सेंड कर दूंगी, ईमेल आईडी जीआर को, सीआर को भी, तो आप लोग उस पे मुझे मेल कर दें, और उस पे भी अगर नहीं हो रही है अटैच फाइल तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके मैम। सीआर अटेंडेंस ले लीजिएगा। जी मैम अटेंडेंस ले ली। चलिए ठीक है, ओके, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रिस्पेक्टेड मैम। अल्लाह हाफिज।